पहुंच गए सर, ये हमारे साथ सुमन सर है और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। बस बोर्डिंग जो है हमारी हो गई है और बस हम लोग फ्लाइट के अंदर एंटर करने वाले हैं और ये रहे मुझे फ्लाइट जहाँ पे हम एंटर करने वाले हैं। गाइस दिख रहा होगा आपको ये बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है। एक्चुअल में देखा जाए तो कितना बढ़िया बड़ौदा। ठीक है तो फिर वेलकम सेट अपन के आर था वेलकम टू आवर हैकर ब्लॉग। आज मैं दिल्ली के अंदर दिल्ली में मैं एक्चुअल में जा रहा हूँ वडोदरा और वहाँ पे मेरी एक वर्कशॉप है तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ दिल्ली में। सुबह मॉर्निंग में निकल गया था कोटा से जय शताब्दी की ट्रेन से और फिर यहाँ पे पास में एक मेट्रो स्टेशन है सरायकाले खां मेट्रो स्टेशन, उससे मैं जस्ट चढ़ा और अभी यहाँ पर उतरा हूँ। एक और है कोई सा मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना, फटाफट चलेंगे अभी यहाँ से। मेरा जो प्रोग्राम है आज का प्रोग्राम जो मेरा होने वाला है वो किया कि पहले मैं अपने सिस्टर के यहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, उसके बाद जाके फिर ना सर जो जो हम जो मेरे साथ में जा रहे हैं उनके साथ मैं उनको बुला लूँगा अपने उधर ही, फिर वहाँ से दोनों साथ में जाएंगे एयरपोर्ट। और एक्चुअल बीच में एक मीटिंग थी वो लेने थी मुझे पर ना एक्चुअल में टाइम नहीं बैठ पाएगा तो इसलिए मैंने लगा कि यार स्किप मारते हैं बेफालतू में फ्लाइट छूट जाए चक्कर पड़ जाए। मेरी दो तीन बार मैं फ्लाइट छूट चुका हूँ तो फिर ना एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट जाने के बाद 7 बजे हमारी फ्लाइट है तो 7 बजे एयरपोर्ट 7 बजे पहले पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट और फिर रात में 10 बजे पहुँचेंगे वडोदरा। जब निकला था मैं कोटा से मुझे लगा था बहुत भयंकर गर्मी होने वाली पर अभी यहाँ का मतलब दिल्ली का वेदर इतना प्रेजेंट है 30 डिग्री से दिखा रहा था मुझे 30 डिग्री पर तब भी उससे बहुत कम है और मतलब उससे बहुत कम तो क्या मतलब नॉर्मल है पर है ना मतलब इतनी हवाएं चल रही है और क्लाउडी वेदर है तो भाई आज तो मज़ा आ गया, मतलब बहुत अच्छा वेदर है। मुझे लग रहा था कि बहुत गर्मी होगी, लास्ट टाइम जब आया था मैं दिल्ली तो मेरी हालत खराब थी, मैं घर से बाहर निकला ही नहीं था, मैं सिर्फ घर में ही था और बस सीधे यहाँ से निकल गया मैं। पर आज लग रहा है थोड़ा घूमने का मन कर रहा है पर घूम नहीं पाएंगे एक्चुअल में क्योंकि पूरा टाइट शेड्यूल है पर अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा अपने दिल्ली का मौसम। तो अभी जिस मेट्रो पे हूँ वो है मयूर विहार फेज़ 1 और मैं अभी पहुँच गया हूँ, ये है कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन और अभी बहुत प्लीजेंट मौसम हो रहा है दिल्ली का। एक्चुअल में कल बहुत सारा काम था, बहुत सारा मतलब एक ऑडिट का भी काम था मेरे को, वो निपटाया मैंने रात में। कल तो मैं रात में सोया ही कुछ ना 2:30 बजे के आसपास, नहीं 3 बजे, हाँ 3 बज गई थी मुझे सुबह होते और 3 बजे सोने के बाद फिर उठा मैं कितना 4:30 बजे, 1.5 घंटे की नींद थी। मैंने लगा कि यार ठीक है ट्रेन में जाएंगे सर तभी सोएंगे, क्यों फालतू अपना टाइम ख़राब कर दो, उस टाइम पर काम कर लिया। अभी बस यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से एक और मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, भाई 3 दिन मेट्रो चेंज करनी पड़ती है पर अच्छा है मेट्रो वाला सीन, थोड़ा ठीक लगता है मुझे और सब जगह तो मतलब मुंबई में तो लोकल में तो हालत खराब जाती है या फिर आप कैब से जाओ तो वो भारी पड़ता है। एक टाइम पे ये वाला रास्ता जो था मुझे पूरा रटा हुआ था क्योंकि मैं यहाँ पे जब मैंने स्टडी करी थी दिल्ली के अंदर तो उस टाइम में ऑलमोस्ट मुझे हर दिन यहीं से आना जाना पड़ता था। आज मतलब कोविड के बाद इतना मतलब ज़्यादा ट्रैवल करना बंद कर दिया कोविड के बाद से उसके बाद, और अब जब आता तो पहले पूछना पड़ता सिस्टर से मेरी कि यार तेरा घर का एड्रेस दे मुझे, और मैं हर बार पूछता हूँ अरे भूल जाता हूँ यार कई बार यहाँ पर था आके मैं तो इसलिए कई बार ना जैसे एड्रेस भूल जाता हूँ, कभी कभी मैं मेट्रो ही भूल जाता हूँ कौन सी मेट्रो में बैठनी है तो ये दिक्कत रहती है भाई। कोविड के बाद से बड़ा इशू हो गया सब चीज़ों का पर फाइनली अब वापस से धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही है और अच्छा लगता है ऐसा नॉर्मल रहे तो ज़्यादा बढ़िया है यार। तो मैं पहुंच गया हूं पश्चिम विहार ईस्ट के अंदर और ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं, मतलब मैं 12:15 बजे कोटा से यहां पे दिल्ली उतरा था उसके बाद मुझे दिखिए आपके ना 1.5 से 2 घंटे लग गए सिर्फ ये मेट्रो मेट्रो में ट्रैवल करते करते। तो बड़ी सिटी के टाइम जाता है ना वो ट्रैवलिंग में निकल जाता है, मतलब आप पूरे दिन भर में काम क्या करोगे 2-3 घंटे और आने जाने में आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं तो ऐसा सीन है। और अभी बस पहुंच गया हूं, अब यहां से फिर ना एक छोटा सा कैब वगैरह या फिर कुछ टेम्पो या टैक्सी जो भी मिलेगा वो लेके मेरे सिस्टर के घर जाना है। थोड़ा सा तैयार व्यार होऊंगा, तैयार तो क्या होऊंगा रेस्ट करूंगा भाई थक गया हूं, और 3:30-4 बजे वापस निकल जाएंगे एयरपोर्ट के लिए क्योंकि वहां से फिर सर आएंगे उनको लेते हुए निकलना है मुझे तो वो चीज़ें करना है। तो अभी हूँ यहाँ पे आपका मेट्रो स्टेशन पश्चिम विहार ईस्ट। भाई कहना पड़ेगा दिल्ली का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मतलब मैंने ऑटो वाला भैया पूछा, मैंने भैया आज तो मौसम तगड़ा हो रहा है, तो भैया आज तो शानदार हो रहा है मौसम, मतलब इतना बढ़िया मौसम कभी देखा नहीं मैंने दिल्ली के अंदर बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा धुंधला पन्ना, मतलब धुंधला तो पन क्या क्लाउडी है और थोड़ा सा मतलब बारिश नहीं बारिश हो गई हो जाएगी चक्कर पड़ जाएगा। तो फटाफट अभी 1 घंटे का थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको, निकलेंगे फिर यहाँ से एयरपोर्ट के लिए और फिर वहाँ का पूरा कवर करते हैं। पहुँच रहे हैं आज वडोदरा सिटी के अंदर।
क्योंकि एक्चुअल में एक डिलेंडर घूमना था यहाँ पे मैं दीदी के यहाँ पे खाना वाना खाया और मैंने लगे सोचा थी रात में सिर्फ डेढ़ घंटे की निकाली थी मतलब ब्लॉग एडिट कर रहा था 3 बजे अपलोड करा ब्लॉग और 4:30 बजे यहाँ से घर से निकल गया था उस चक्कर में डेढ़ घंटे की सिर्फ नहीं धूप आई थी उस कंडीशन में मतलब कि यार भाई अब तो नींद आ रही है भयंकर थी मतलब चलो सब गया तेल लेने के लिए पहले तो 100 एक घंटे की नींद निकाली बढ़िया तरीके से अभी 4:30 बज चुके हैं निकल रहा था 4 बजे टाइम के हिसाब से पर ठीक है 4:30 भी चलेगा आधा घंटा ऊपर नीचे चल जाएगा फ्लैक्स फोटो पकड़ लिया ताकि जल्दी पहुँच जाए कैब वैब में टाइम लगा था ओला के अंदर बुक करने में अरे आ रहा हूँ भैया ऑनलाइन पेमेंट हो गया ऑफलाइन लोग मतलब भाई अभी इस टाइम पे तू ये मत कर कि ऑनलाइन लोग ऑफलाइन लोगे कि कितना दिखा रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मतलब अभी तू दिखा रहा चल रहा चल बढ़ना तो जय जी लिया उतने में मेरे ऑटो में चलो ठीक है फिर बैठे चलो रोड चलते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट दिखाते हैं आप और आज रात में पहुँच जाएंगे पर बड़ौदा पहुंच गए सर ये हमारे साथ सुमन सर है और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे अभी फिलहाल डोमेस्टिक कर रहे हैं तो इंटरनेशनल भी बहुत जल्दी मारने वाले हम लोग तो वहाँ पर आ गए और ना कोविड का भी वजह से काफ़ी दिल्ली में फैल रहा है तो इसलिए अभी प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूरी है तो मास्क लगा लिया और फटाफट एंटर करते हैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर और फिर दिखाते हैं अंदर की चीज़ें आपको क्या क्या बढ़िया बढ़िया चीज़ें अंदर है ना टाइम से ही है हम लोग थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं हुआ सवा पाँच के बीच में आ गया आराम से 7 बजे की फ्लाइट है 1.5 घंटा हमारे पास अंदर जाके पहले चेक इन मारेंगे फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कवर करेंगे वहाँ का प्लेस भी कवर करेंगे हाँ अंदर का ही प्लेस कवर करेंगे कि भाई कैसा कैसा है अंदर क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे ठीक है चलिए अंदर चलते हैं ओके तो भाई यहाँ पे अपन ने सिक्योरिटी चेक जो है कम्प्लीट कर लिया और वेब चेकिंग एक्चुअल में यहाँ पे डिमांड है और अभी यहाँ पे आगे की तरफ दिख रहा होगा यहाँ पे आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं अपना फिर आप बोर्डिंग पास लेते हैं क्योंकि इसमें टाइम कम बचा होगा वहाँ पर कितनी बड़ी भीड़ है यार बहुत सारी भीड़ समझे चलेंगे तो भाई यहाँ पे अपने टिकट वगैरह जो है वो अपना कन्फर्म हो गया है बैग लगेज अपने डाल दिया है और अब निकल रहे हैं कहाँ के लिए अब निकलेंगे हम लोग हाँ सिक्योरिटी चेक इन पहले करते हैं थोड़ा सा बैठेंगे और थोड़ा सा कुछ थोड़ा सा चिल विल करेंगे एंजॉय करेंगे पानी करेंगे फिर पानी पियेंगे ना नाश्ते तो फटाफट अंदर चलते हैं अंदर चलिए फटाफट अपना सिक्योरिटी चेक इन करते हैं फिर वहाँ आराम से बैठेंगे बैगडी वैगडी देखेंगे थोड़ा सा फिर एक्सप्लोर करेंगे तो अभी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया सिक्योरिटी चेक सिक्योरिटी चेक होने के बाद बेसिकली पहले तो यहाँ पे ना अपना टिकट वगैरह सब चेक कर देते हैं अभी तो फिलहाल लगेज वगेज अपना खुलवा लिया बैग में जितने सामान सब बाहर रखवा दिया ट्रॉली के अंदर भाई को और उसके बाद फिर ट्रॉली में रखने के बाद सारा जितना भी सामान था चेक वेक करा एक बार और हमें भी चेक करा प्रॉपर तरीके से और उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग बाहर आ गए तो भाई हमारा जो था सिक्योरिटी चेक कंप्लीट हो चुका है जैसा आपने दिखाया अभी हमारे वीडियो के अंदर और उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा चिल करेंगे हम नीचे जाके भाई ने बोला कि है ना वो दिखाओ जहाँ पे ना वो फ्लाइट फ्लाइट नज़र आती है नीचे चलना पड़ेगा यहाँ पे कुछ खाने के लिए दे रखा है तो काफ़ी कुछ खाने के लिए इंतजाम वगैरह यहाँ पे हमारा एक बार चेक करना पड़ेगा हमारा गेट कौन सा है तो एक बार चेक करते हैं गेट कौन सा है फिर हिसाब से हम लोग जाते हैं नीचे ऊपर जहाँ पे भी है और वैसे तो है टाइम अभी 6:20 का ना टाइमिंग अभी क्या टाइमिंग हो रहा है 6 बजे 20 मिनट है अभी हमारे पास तो 20 मिनट थोड़ा सा यहाँ का आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्लिक करके काफ़ी डिसाइड करने का पता चला हमें कि हमें कुछ नहीं खाना हमने तीन चार चीज़ें ट्राई करी अलग अलग उस पर शॉप्स पे गए सब देखा और जैसे भाई ने हमने एक सेलेक्ट करा था कि कैपेचिनो ले लेंगे भाई एकदम नॉर्मल सा चल जाएगा दिक्कत नहीं कॉफ़ी मिल जाएगी क्योंकि वहाँ जाए खाना तो है ही जरूरी जैसे हमने बोला कैपेचिनो तो भाई ने इसे बड़ा वाला बिल खा दिया फिर मैंने रुक जा भाई सांस ले अभी आई नहीं है अंडी अभी रुक थोड़ा सा 500 कम नहीं होते हाँ तो मतलब कि अभी कैसे करते हैं बाकी फिर वहाँ पे तो मिलेगा इसलिए ऊपर देख लेंगे या फिर ऊपर पानी तो फ्री मिलता है इधर ही पानी और आशीर्वाद दोनों फ्री मिलता है ऊपर तो ऊपर वो आशीर्वाद लेंगे और फिर सीधे पहुँचेंगे वहाँ पे और फिर वहाँ तो अरेंजमेंट है हमारा पूरा अरेंजमेंट है तो वहाँ तो पूरा करेंगे फिर वहीं पर खाएंगे पियेंगे और अभी चलते हैं देखते हैं अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ Inspired by thirst.
I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे. ये अभी बस हमारा पीछे फ्लाइट है और उसके अंदर हम लोग अभी बैठने वाले हैं. और भाई को पहले फोटो चाहिए, तो मैंने पहले फ्लाइट के अंदर फोटो एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद जाए चलेंगे. भाई बोले इतनी दूर से आए भाई, ये कम से कम फोटो तो लगेगा ना, तो भाई फोटो लेंगे अपना पहले भाई, वरना फिर नाराज हो जाएगा भाई. चलो बड़ा फटाफट लेते हैं. तो बोर्डिंग जो अभी चालू हो चुकी है, फटाफट अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और फोन पर जाके बैठेंगे. सारे लोग आगे बड़ा पैर भी लगता है वीडियो रिकॉर्ड करना सबके सामने, पर ठीक है फटाफट. और एक्चुअली में शाम हो गया तो ना इसलिए थोड़ा सा अभी अंधेरा अंधेरा लग रहा होगा आपको. बिल्कुल पीछे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हमारा इंडिगो फ्लाइट के अंदर जाने वाले शाम और रात में 10 बजे हम लोग लैंड कर जाएंगे बड़ौदा के अंदर. और अभी बज रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 बजने वाले 7 बजे इसका एक्चुअल टाइम था. और हाँ अभी लोग चल ही रहे हैं तो टाइम तो लगेगा. आवाज़ तो बहुत तेज़ आ रही होगी यहाँ पे. एक्चुअल में जो पीछे मशीन चल रही है उस चक्कर में बहुत भयंकर आवाज़ आ रही होगी. ये पीछे पूरा दिल्ली एयरपोर्ट का व्यू है, अच्छा मेंटेन करा हुआ है, पर मुंबई के मुकाबले अच्छा नहीं है ये इतना. लेकिन ऐसे में तो हैदराबाद वाला भी अच्छा है, काफ़ी क्लीन है. इसके मुकाबले मुझे हैदराबाद वाला या फिर मुंबई वाला बहुत अच्छा लगा. अभी पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा. अंदर चलते हैं और बैठते हैं अपनी सीट पर, फिर बात करते हैं उसके बाद. Inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. भाई को अलग बिठा दिया, लेकिन और बता रहा हूँ दुख भरी दास्ता आपकी कि आपको अलग बिठा दिया, मुझे अलग बिठा दिया. इतनी देर से साथ में घूम रहे थे, फ्लाइट के अंदर आके अलग अलग बिठाना था ना, तो उन्होंने काम ना करी कि कोने की मिले, तो कोने के चक्कर में दोनों को अलग अलग बिठा दिया. तो भाई आगे वाली सीटें बैठा, मैं पीछे वाली सीटें बैठा हूँ और अभी फटाफट चलेंगे और फिर पहुँचेंगे. तब 10:30 का है, 10 o'clock का, 10:30 के आसपास पहुँच जाएंगे बड़ौदा. अरे मेरा एक स्टूडेंट भी आएगा, वो बोलता कि कॉलेज का नाम बताना उसको, तो वो आएंगे मिलने के लिए. तो जो सब्सक्राइबर है हाँ, तो मैं उसको भेज दूंगा अभी पहुँचने के बाद. जितने सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो अगर आप चाहें तो कल आके मिल सकते हैं हमारे इस कॉलेज के अंदर. वो भी स्लॉट बताऊँगा मैं, लंच टाइम का स्लॉट देंगे ना, तो लंच टाइम स्लॉट डाल दूंगा मैं चैट बॉक्स के अंदर. तो प्लीज़ आप वहाँ पर आके मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. By thirst, I'm inspired by worth. आधे घंटे के लिए तो ऑलमोस्ट ऐसा बता रहा हूँ, खत्म वीडियो बता रहा हूँ. आधे घंटे के तो एकदम खत्म हो गया था कि भाई नींद आ रही है बैंक करते जी. फिर भाई अभी स्नैक्स खाया जा रहा है, चेक करते हैं कैसा टेस्टी. टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, तो अभी खाते हैं. फिर ना भी उतरना है, एक डेढ़ दो घंटा और लगेगा मेरे हिसाब से मैक्सिमम. तो एक दो घंटे के बाद फिर उतरेंगे, फिर वहाँ पर खाना वाना खाएंगे. अभी जैसे हम लोग फ्लाइट से निकले हैं और अभी हम जा रहे हैं हॉल के अंदर जहाँ पे हमारा लगेज मिलेगा बेल्ट नंबर 1 पे. ठीक है, तो आपका लगेज जो था बाद में आता है, तो अभी लगेज ले जा रहे हैं. भाई तुम्हारा मिसप्लेस हो गया ना, तो अपना तो गायब हो जाएगा ना, आप कैसे लगाएंगे फिर डंडा वंडा बैनर वैनर.
हमारा बैग जो था एक्चुअली मिसप्लेस हो गया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी हमारी वो मिसप्लेस हो गई थी। भाई इधर है वो भाई भैया, ये हमारा हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई हमारी ये मिसप्लेस हो गई थी। सब आ गया पर ये नहीं आया था। थैंक यू भैया, ये हमने ले लिया भाई आपका सबसे महंगा सामान। ये 25 लाख रुपये का सामान है, ये कंपनी पूरी इसलिए चलती है भाई, चक्कर ये। चलो फटाफट अभी चलते हैं, हमारा सारा काम हो गया। तो गाइस दिख रहा होगा आपको ये बहुत ब्यूटीफुल बना रखा है। एक्चुअल में देखा जाए तो कितना बढ़िया बड़ौदा उधर वाला एरिया बहुत अच्छा है, उधर भी चलेंगे एक बार। बहुत अच्छा देखो कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट करा हुआ है। इवन सबसे बेस्ट मुझे येला पार्ट लगा ऊपर जो लगा रखा है दिख रहा है, अब देखेंगे तो बहुत प्यारे प्यारे। अपन बचपन में बना करते थे ना वो फेंकने के लिए प्लेन्स उसके पेपर के, वैसा कुछ बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। मैं जाकर दिखाता हूँ आपको, बहुत प्यारा डेकोरेट करा हुआ है। एक्चुअली बड़ौदा वाक्य में लग रहा है, पीछे लिखा हुआ है वहाँ पे आई लव बड़ौदा। और बड़ौदा एयरपोर्ट पर आ गए, 8:30 हमारी फ्लाइट जो है वो लैंड हो गई थी। अभी हम लोग जाएंगे, अभी सर कॉल कर रहे हैं ड्राइवर को, थोड़ी देर में आ जाएगा पिकअप करेगा हमें और फिर निकलेंगे हम लोग। होटल पे जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर देखते हैं अरेंजमेंट कैसा है और फिर आगे का प्लानिंग पर चलेगा। कल सुबह 10 बजे से स्टार्ट है ना वर्कशॉप, कल सुबह 10 बजे के आसपास से स्टार्ट है वर्कशॉप, शाम के 4 बजे तक है ना, शाम के 4 बजे तक रहेगी वर्कशॉप। और उसके बाद फिर हमारी 7 बजे फ्लाइट है और फिर वापस से हम लोग बैक टू दिल्ली। 9 बजे की फ्लाइट है क्या? हाँ तो 9 बजे की फ्लाइट है और फिर वापस 10:30 तक हम लोग बैक टू दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्या दिख रहा होगा आपको, ये जो है ऊपर बना रखा है ये बचपन में बनाया करते थे। आपने बनाया होगा सर ये तो हेलीकॉप्टर। तो ये बहुत प्यारा इन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन कर रखा है, बहुत अच्छा, मतलब क्रिएटिविटी दिख रहा होगा आपको। वहाँ पे एक्चुअल में अलाउड नहीं, वो डिपार्चर है तो इसलिए हम इधर से ही खड़े होके बस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो वहाँ पे पीछे गाइस है ना, आंटी का एक बैग ख़राब हो गया, मतलब फट गया था, इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए कि जब भी आप है ना फ्लाइट के अंदर आ रहे हैं तो अपना लगेज जो है वो चेक कर लें एक बार आने से पहले कि भाई वो कहीं फट तो नहीं जाएगा। आंटी का सीधा बैग था, वो उसमें धक्का लगा, मतलब किसी ने उठा के फेंका होगा उसको अंदर लगेज के अंदर, और वो भाई पूरा फट गया और सामान वामान पूरा निकल गया। अभी बस एक आंटी और वो भैया हैं बेचारे, दोनों लगे हुए हैं बात करने में, रिजोल्यूशन पता नहीं आने क्या निकलेगा। आंटी को नहीं चाहिए वापस से नया बैग, पर उनको वही वाला बैग चाहिए, वाला बैग फट चुका है, आया कैसे। तो अभी सब खाली है, बस वही लड़ रहे हैं। बाहर आ गए हम लोग और चलो हमारा ड्राइवर आ चुका है, अब फटाफट जाके हम लोग बैठते हैं गाड़ी के अंदर। और फिर आज बेसिकली हमें कल आ गया, हमारा ड्राइवर आ गया ना, गाड़ी भी आ गई शिट। चलो कितना बढ़िया, फास्ट है भाई, फास्ट है तो फास्ट है। और हम लोग अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है और हम लोग निकलने वाले हैं और कल मिलते हैं वर्कशॉप के लिए, 10 बजे हमारी वर्कशॉप रहेगी। सो कीप वॉचिंग। गाइस ये हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और गेस्ट हाउस पे पहुंच गए, गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं। दिख रहा होगा शक्ल से बहुत भयंकर थकी हालत है, मैं सुबह से ट्रैवल कर रहा हूं, सुबह से पहले ट्रेन फिर फ्लाइट फिर अभी यहां पे कैब, 1 घंटा तो मेरे कैब में भी लगा। तो अब बस हम लोग अंदर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, खाना वाना खाएंगे और आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा अगर ब्लॉग आपको तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।